सभी नई सरकारी अपडेट और नई सरकारी योजनाओं और नई सरकारी नौकरियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार डिजिटल पंजाब को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आओ जानते हैं आज की नई अपडेट के बारे में। तक हमारा डेटा खत्म हो जाता है और उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि कब 12 बजेंगे फिर से आपका डेटा रिन्यू होगा और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इमरजेंसी में डेटा लोन ले सकते हैं। जी हाँ, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन के बारे में तो सुना है आपने, लेकिन इमरजेंसी में डेटा लोन भी आपको मिल सकता है। अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो फिर आपको ये कोड डायल करना होगा या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप 2G, 3G या 4G जो भी नेटवर्क चाहते हैं उसका डेटा लोन आप ले सकते हैं। अगर आप वोडाफोन यूजर हैं तो फिर आपको ये कोड डायल करना होगा। इसको डायल करने के बाद कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करनी होंगी और आपको बहुत आसानी से डेटा लोन मिल जाएगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उस सिम का इस्तेमाल 3 महीने से ज़्यादा समय से कर रहे हैं तभी आपको डेटा लोन मिल पाएगा। तो अगर 3 महीने से कम समय हुआ है तो मत ट्राई करिएगा, लेकिन अगर लंबे समय से इसी सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जियो यूज़र्स भी सोच रहे होंगे कि कब मैं इसके बारे में बताऊंगी, तो देखिए जियो यूज़र्स जो है उनके लिए मैं बता दूं कि जियो की जो एप्लीकेशन है वहाँ मैंने जाकर चेक किया था, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर डेटा लोन की कोई भी जो फैसिलिटी है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर भविष्य में होती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। इस तरह की नई नई वीडियो और अपडेट प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।